Dear students, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. First and foremost, I seek apologize. I mean, I seek forgiveness from you all that on Friday of the past week I couldn't able to make the video because I was quite ill. Inshallah, I will compensate the same uh, in the next uh, uh, in the next Friday of this same week. Inshallah, uh, next Friday or Sunday of this week. Inshallah, don't worry. Uh, Yesterday, the day before yesterday, I guess we have reached up to the point when one of the Bishamber's friends prompted uh, him to garland the bride. The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained. Poised it in on his hand. The bride slowly pulled down the veil over face. बिशंबर नाथ के दोस्त ने जब उसको गार्लेंट पहन को कहा माला तो वो एक जद मेरी गोल्ड का गार्लिन उठा के उठा और दूसरी औरत ने पीछे से बोली के चेहरे पे लगा जो स्काफ़ था या जिसको हम कहते हैं घूंघट था उसको उसने उतारा उतारते ही बिशंबर ने एक जल्दी जल्दी में एक निगाह डाला किसके चेहरे पर बोली के चेहरे पर और निगाह डालते ही वो देखता क्या है ज़ाहर से बात है वो काले डब्बे देखता है तो देखते ही वो जो माला है उसके हाथों में ही रह जाता है यानी वो आगे पहनाने के लिए आगे हरकत तक नहीं करता उसके हाथों में वो हैरान होता है कि यार इतनी काली गलोटी इतने डब्बे वाली वगैरह वगैरह और दुल्हन भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पर्दे को अपने चेहरे के ऊपर वापस सरकती है अपने दोस्त को जो उसके पास में ही बैठा था उसे कहता है क्या तुमने उसको देखा उसके चेहरे पर काले धब्बे हैं सो वट यू आर नॉट यंग ईधर तो उसका दोस्त जवाब देता है तो क्या हुआ तुम भी तो इतने जवान नहीं हो उसके चेहरे में काले धब्बे है तो हुआ क्या मे बी बट इफ आई एम टू मेरी हर हर फादर मस्ट गिव मी फाइव थाउजेंड रुपीज इंसान के लालिच देखो बेटा उसने कहा हो सकता है अगर मैं शादी कर भी लूँ अगर मैं करता हूँ तो उसके बाप को मुझे पाँच हजार रुपये देने होंगे जिसने पहले कोई डोरी नहीं लेंगे बोला था अब वो डोरी में उतर आया देखो वो अपने दोस्त से बोल रहे अगर उस इस लड़की से मुझे शादी करना है ना तो इसके बाप को मुझे जो है पाँच हजार देने होंगे राम लाल यूंट एंड प्लेसड हिस्टार बन हिस ऑनर एट द बिशंबर फीट डो नॉट ह्यूमिलिएट मी सो टेक टू थाउजेंड रुपीज़ बेचारा राम लाल हैरानों परेशान होकर अपनी पगड़ी उतारता है और बिशंबर के पैरों के सामने रखता है और कहता है जिना मेरी इज्जत चूँकि देखो ना गाँव में अमूमन जो लोग हैं हिंदुस्तान के वहाँ वो पगड़ी पहनते पगड़ी उनकी इज्जत की निशानी होती है रिलीजियसली नहीं उनकी सोसाइटी का एक निशान है अब उसने अपनी इज्जत को बिशंबर के पैरों तले रखा और कहने लगा कि जनाब मेरी बेइज्जती मत करो मुझे रुसवा ह्यूमिलिएट से बेइज्जती भी बोल सकते हैं रुसवाई भी बोल सकते हैं जला भी बोल सकते हैं वगैरह वगैरह जनाब मुझे जलील मत करो पाँच हज़ार मुझसे नहीं बनेगा दो हज़ार ले लो उज आर वी गो बैक कीप योर डाटर फिर रामलाल भी जानता है वो बिशंबर मलून भी जानता था कि अब शादी तो ये करवाए गई मुझसे इसलिए कहा कि नहीं पांच हजार देना तो दे दो नहीं तो हम वापस चलते हैं अपनी बेटी को अपने पास रखो Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. वेज मेहरबानी करके थोड़ा सा मुझ पर रहम करो कंजिडर का मतलब होता है जो लेन देन के मामले में थोड़ा तो अपने लिए घाटा भी खाए तो कह रहा कि थोड़ा तो थोड़ा तो कंजिडर करो जिनाब प्लीज अगर तुम वापस चलोगे तो मैं अपने गाँव के गाँव वालों के सामने मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा देन आउट विथ फाइव थाउजेंड तो उसने कहा चलो फिर पाँच हज़ार निकालो tear streaming down डाउन face राम went in इन ओपन इट द सेफ इन कॉन्ट आउट द नोट्स ही प्लेस इट द बंडल एट द ब्राइड गुम्स फीट बेचारा राम रोता हुआ आंसू उसके चेहरे से टपक रहे थे अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो जो संदोक है वो जो अलमारी है जहाँ वो अमूमन वो जो महफूज जगह है जहाँ पैसे रखते हैं उसको खोलता है पैसे गिनता है और वो पाँच हज़ार ले बाहर आता है पाँच हज़ार का जो बंडल है चेक है उसको लाकर के पैरों के सामने रखता है ओन बिशंबर ग्रीडी फेस अपीड एट ट्रम्फ एंड स्मायल बिशंबर के उस लालची चेहरे में फ़ातहाना एक तबसुम आई यानी गो या एक, एक मुस्कुराया इस तरह से जैसे कि वो किसी बड़ी जंग में जीत गया हो या एक बड़े से गेम में जीत गया हो ट्रम्फ के दिन जीतने को फतह पाने को उसके लालची चेहरे पर फ़ातहाना तबसम थी चूँकि वो ही had gambled and won, वन चूंकि उसने जुआ खेला जुआ ही खेला ना उसने कहा करना है तो करो मत नहीं तो नहीं उसने लर्नर को कहा कि अपनी बेटी से शादी करवाना है तो पांच हज़ार दे दो तो नहीं तो हम चले जाएंगे। तो गोया उसने बड़ा गेम खेला और उसके अपने जाम के मुताबिक अपने ख्याल के मुताबिक वो उस गेम में जीत गया और कहने लगा कि ग्यू मी द गारैंड ही अनाउंस तब उसने तो जब पाँच हज़ार रुपये बिशंबर से लिया बतौर डोरी तो वो मलून कहने लगा कि अब माला दे दो मैं माला पहनाऊँगा

उसने सर ऊपर किया हुआ था और अपने चेहरे की तरफ़ देख रहे सॉरी सॉरी उस अपने शो वो लालची शोहर के चेहरे की तरफ़ देख रही थी आंखों में आंखें डाले हुए न तो उनकी आंखों में गुस्सा था ना ही नफरत बल्कि रसवाई थी यानी रामलाल की तरफ जो देख रही थी ना बोली बोली की जो निगाहें थी वो रामलाल को जलील आंखों से देख रही थी कह रहे थी कितना कमीने किस्म का आदमी है कितना पस्त इंसान है लालच की खातिर शादी किया है शंबर रेज द गार्लिन टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड स्नेक बिशंबर ने माले को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि दुल्हन के गर्दन पर लगा सके बट बिफोर ही कु डू सो इससे पहले कि वो गार्लिन को चढ़ा सके बोली सेंड स्ट्रक आउट आउटलाइक स्ट्रिक ऑफ लैटरिंग एंड गार्लिन वॉज फ्लंग इन टू द फायर शी गॉट अपन थ्रू अवे द वेल इससे पहले कि बिशंबर माला बोली के गर्दन से लगाए बोली का हाथ गो या यूँ निकला जैसे कि थंडर स्टोम से निकलती हुई बिजली आपने देखा होगा ना जब बादल चमकते हैं तो वहाँ से बिजली कैसे निकलती है जब बादल गरजते हैं आसमान में तो उसके हाथ भी यूँ इतनी तेज़ी के साथ निकले और वो जो माला था वो छिटक कर कहाँ गिरा मुकद्दस आग में गिरा वो जो आग जली हुई थी ना सामने शादी की उस आग में गिरा और वो उठी और उठ के कहने लगी वो उठी और उठ के अपना जो घूंघट था या पर्दा था या जो स्काप था उसको हटा के फेंका और कहने लगी पिताजी सेट बोली इन ए क्लियर लॉर्ड वॉइस इन फोदर मादर सिस्टर ब्रादर रिलेशन स्टट लिट टू हियर दर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइट स्टैमर उसने कहा कि पिताजी पिताजी को उसने इस तरह से प्रोनाउंस किया इससे पहले वो सब जानते थे कि वो स्टैमर करती थी इस मरतबा पिताजी को उसने इतना क्लियरली बोला उसके घर वाले तमाम अफराद माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार हमसाय वाले सारे लोग सिट लिट थे सिट लिट के थे बेटा हीरानो परेशान होना वो सारे लोग हीरान परेशान थे कि बोली ने पिताजी बोला वो भी स्टेमर किए बगैर थोड़ा बहुत भी स्टेमर किए बगैर उसने बोला पिताजी पिताजी टेक बैक योर मनी आई एम नॉट गोइंग टू मैरिज मैन बाबा अपने पैसे वापस ले लो मैं इस बेशरम जलील आदमी से शादी करना नहीं चाहती रामलाल वोकंडराम रामलाल राम में तो बिजली गिर पड़ी अब वो बेचारा हैरान और परेशान था उसकी शादी को लेकर अब दुल्हन दुल्हे का इंतज़ाम भी किया था और लालची दुल्हे को मनवाया भी था इसके बाद बोली जब ने जब नहीं माना तो उस पर को बिजली गिर पड़ी द गेस्ट बिगेंट टू विस फर सो शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस हम सोसाइटी के स्टिग्मा तो जानते हैं ना बेटा अब वहाँ मौजूद जो मेहमान थे वो भी कहने लगे कितनी बेशर्म है कितनी गंदी है कितनी बेशरम है ये लड़की देखो कितनी घटिया है वगैरह वगैरह सब लोगों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया चिमिगोइयाँ करना शुरू कर दिया इधर से उधर उसको कहते हैं चिमिगोइयाँ या कहते हैं crazy shouted बोली आर यू क्रेजी disgrace your family यू some regard योर फैमिली है कहा कि बोली बाप उसके बाप ने बोला बोली तुम पागल हो गई हो अपने अपने कुंदे को जलील करती हो शर्म आना चाहिए कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल रखो प्यारे बच्चों के बाद हम कल पढ़ेंगे इन आज के लिए काफ़ी कल हम खत्म करेंगे खुदा हाफिज